अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का जो टॉपिक है ये शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर से लिया गया है और ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रिफर्ड स्टॉक और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने कॉमन शेयर्स के बारे में उससे पहले वाली वीडियो के बारे में पढ़ा था। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं टू द कंपनी के कैपिटल जो है कंपनी जो रेज करती है वो मुख्तलिफ तरीकों से करती है, या शेयर्स को इशू करके, और शेयर्स की फिर दो टाइप्स हैं कॉमन शेयर्स और प्रिफर्ड शेयर, या डेट को इशू कर या डेट सिक्योरिटी को इशू करके जो है कंपनी पैसा रेज कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है, फाइनेंस रेज कर सकती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके जो फाइनेंस रेज करती है उसमें एक है डिबेंचर्स। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स, द टर्म डिबेंचर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेयर विच मीन्स टू ओ अ डेट। कि ये जो वर्ड है डिबेंचर का ये डिबेयर से निकला है जिसका मतलब है टू, और ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है टू ओ डेट, टू ओ डेट, सही हो गया कि, और टू ओ डेट का मतलब है कि आपने जो है लोन लिया हुआ है या कर्जा लिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। तो अ कंपनी मे रेज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल बाय बोरोइंग लोन्स, कि अगर छोटे मोटे कर्जे उसको जरूरत है तो वो क्या करती है, बैंक के पास जाती है, या तो ओवरड्राफ्ट कर लेती है या लोन वगैरह की फैसिलिटी बैंक से ले लेती है। लेकिन अगर उसको 20 इयर्स या 30 इयर्स के लिए कर्जा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, जनरल पब्लिक को अपने बॉन्ड्स बेचती है। जनरल पब्लिक जब उसके बॉन्ड्स खरीद लेती है तो उन जनरल पब्लिक को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया तो फिर कंपनी जो है मैं उसका कंपनी का क्रेडिटर बन जाऊंगा, और जो है मुझे कंपनी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या कुछ किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है मुझे कंपनी इंटरेस्ट अदा करेगी। ये वो एक साल भी हो सकता है, वो एक माह भी हो सकता है, हर माह बाद मुझे इंटरेस्ट अदा करेगी, हर साल बाद मुझे इंटरेस्ट अदा करेगी। तो ये जो कैपिटल रेज करने का तरीका है इसको हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग, या ये जो कैपिटल रेज करने का तरीका है ये बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज, के डेट सिक्योरिटीज आप इशू कर दें। इस सिक्योरिटी को लेने वाला जो डेट होल्डर कहलाता है, कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा हुआ है तो मैं उसका डेट होल्डर कहलाऊंगा, मैं ओनर नहीं बन जाऊंगा, बल्कि मुझे आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जब मियाद मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, कि मतलब मैंने 30 साल के लिए अगर कर्जा दिया है तो 30 साल अगर गुजर जाएंगे तो जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने आज दी थी या कर्जा जितना दिया था वो भी मुझे मिलेगा, और साथ साथ ये जो जितना इंटरेस्ट बनता है हर माह बाद या हर साल बाद तो वो भी मुझे मिलता रहेगा। इसको कहते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, के इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी। फिर कहते हैं डिबेंचर थस इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज बाय अ कंपनी थ्रू पब्लिक ऑफरिंग। तो ये इसलिए हम ये कह सकते हैं डिबेंचर जो है ये डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कंपनी बोरो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस इश्यू रेज करने का एक तरीका है। इसकी डेफिनेशन पर चले जाते हैं। अभी डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर ये क्या है, अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड की एक टाइप होती है, और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट की टाइप है, दैट इज अनसिक्योर्ड बाय कोलेटरल। अनसिक्योर्ड बाय कोलेटरल का मतलब यह है कि कंपनी अगर
बॉन्ड इशू कर रही है जनरल पब्लिक पर और जनरल पब्लिक उसके बॉन्ड्स खरीद रही हैं, तो उससे कंपनी से जनरल पब्लिक ये नहीं कह रही कि अगर हम आपको ये कर्जा दे रहे हैं तो इसके बदले में आप कोई चीज हमारे पास गिरवी रखाएं। तो ये जो बात है कि गिरवी ना रखाना, तो ये कहते हैं अनसिक्योर्ड बाय कोलेटरल, कि आप जो पैसे कंपनी को दे रहे हैं किसी भी और उससे उनके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो आप उसको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर जो है कर्जा दे रहे हैं, आप उससे कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी तलब नहीं कर रहे। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को कहते हैं डिबेंचर। सिंस डिबेंचर हैव नो कोलेटरल बैकिंग, डिबेंचर मस्ट रिलाय ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इश्यूअर फॉर सपोर्ट। कि देखें वही बात हो गई कि जो ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये इनके बैक पर इनके पुष्ट पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी होती। तो आप क्या करते हैं, ये किस बेसिस पर देते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं। जो जिस बंदे को कर्जा दे रहे होते हैं उसको या जिस कंपनी को कर्जा दे रहे होते हैं उसको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखा जाता है या उसकी रेपुटेशन को देखा जाता है, फिर उसके बाद जो है उसके बॉन्ड्स लोग खरीदते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ए है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, मतलब उसको जब भी लोग कर्जा देते हैं तो वो कर्जा वक्त पर नहीं अदा करते या उस पर जो है वो इंटरेस्ट वक्त पर नहीं अदा किया जाता, तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो किसी कंपनी की, तो उसके बॉन्ड्स अगर लोगों को ऑफर किए जाएंगे कि आइए हमारे बॉन्ड्स खरीदिए या हमारे बॉन्ड्स जो है में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो जो लोग होंगे वो जो क्या कहते हैं इन्वेस्टर होंगे वो विलिंग नहीं होंगे कि इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को डालें बाय परचेजिंग देयर बॉन्ड्स। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि क्रेडिट वर्दी है और रेपुटेशन भी उसकी मार्केट में अच्छी है, तो ऐसी कंपनी अगर डिबेंचर्स को इशू करेगी तो लोग खुशी खुशी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे होंगे ताकि इनको पता होगा कि यार ये जो इनको पता होगा कि ये कंपनी जो है ये अपने जो इंटरेस्ट है और अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये वक्त पर हमें मिल जाएगा। और बोथ कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली इशू डिबेंचर्स टू रेज कैपिटल और फंड्स। के गवर्नमेंट्स भी और साथ साथ जो है कॉरपोरेशंस भी ये डिबेंचर्स को इशू करती हैं और रेज करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस फॉर सपोर्टिंग देयर ऑपरेशन, के अपने काम ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए यह लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक जरिया यूज करती है, गवर्नमेंट भी यूज करती है और कॉरपोरेशंस भी यूज करती हैं। तो दूसरी इस स्लाइड में देखें कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स की कितनी किस्में होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है ऑर्डिनरी और नेकेड डिबेंचर्स, ये जो अभी अभी डिफाइन किया गया कि ऑर्डिनरी और नेकेड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड कि जो भी पैसा देने वाला है वो कोई सिक्योरिटी बैक पर नहीं रखता, मतलब कंपनी से कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, तो इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड और ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड बॉन्ड या नेकेड डिबेंचर्स या ऑर्डिनरी डिबेंचर्स। मॉर्गेज डिबेंचर से मुराद ये है कि मॉर्गेज डिबेंचर इज वन विच इज सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑन द रियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कि इसमें मॉर्गेज डिबेंचर में क्या होता है कि सिक्योरिटी में क्या रखा जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखा जाता है। इफ द कंपनी फेल्स टू रिपे द बोरोड अमाउंट एट अ स्पेसिफाइड पीरियड, द डिबेंचर होल्डर हैज अ लीगल राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द लोन। के मतलब उसके पास जो बॉन्ड होल्डर है या डिबेंचर होल्डर है उसके पास ये लीगल राइट होगा कि वो क्या करे, इस प्रॉपर्टी को बेचे और अपना लोन जो है वो रिकवर करे। तो इसमें क्या हो गया, सिक्योरिटी में क्या रखा जाता है, सिक्योरिटी में जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि घर हो गया, लैंड हो गया, तो या बिल्डिंग हो गई, तो रियल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है। और इन केस ऑफ के
इन केस अगर जो बॉन्ड पैसा लेने वाला है या कंपनी जिसको पैसा दिया गया है, तो अगर वो स्पेसिफाइड डेट पर या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद जो है अपना कर्जा वापस चुकाने की हालत में नहीं है या नहीं चुका पा रही, तो क्या किया जाएगा? बॉन्ड होल्डर जो कर्जा देने वाला है वो ये करेगा कि इस रियल एसेट को, रियल प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन रिकवर करेगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स थर्ड टाइप जो है, रिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में है कि द डिबेंचर्स विच आर रिपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आर कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स। द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज पेड पीरियोडिकली बट द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड। डिबेंचर्स आर यूजुअली इशूड ऑन रिडीमेबल बेसिस। द कंपनी मोस्टली बोरोज मनी ऑन रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स से मुराद ये है कि ये इसकी कोई मेच्योरिटी डेट होगी, मतलब 30 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉन्ड खरीदा हुआ है 1000 रुपीज का और उस पर 10% इंटरेस्ट एनुअली लगता है, और ये डिबेंचर का जो मैंने लिया हुआ है, ये बॉन्ड जो मैंने लिया हुआ है वो 10 साल के लिए लिया हुआ है, या इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल है, तो 10 साल बाद ये जो रकम है जो कि मैंने 1000 की कंपनी को दी हुई है वो मुझे वापस करेगी। तो ये जो ज्यादातर बॉन्ड्स होते हैं वो रिडीमेबल बेसिस पर दिए जाते हैं कि इनकी कोई मैच्योरिटी होती है और उस मैच्योरिटी के टाइम पर या उस टाइम पी आफ्टर उस मैच्योरिटी का जब वक्त आ जाता है तो कंपनी वो कर्जा वापस कर देती है या गवर्नमेंट वो कर्जा वापस कर दी या जो भी इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड है वो उस टाइम पीरियड के बाद जो है मैच्योरिटी का वक्त जब आता है तो वो कर्जा वापस कर देता है। तो ये जो बॉन्ड में जो बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादातर रिडीमेबल बेसिस पर होते हैं कि इनकी कोई न कोई मैच्योरिटी होती है, हैव अ मैच्योरिटी पीरियड के उस पीरियड मैच्योरिटी पीरियड फॉर एग्जांपल 10 साल का है, तो 10 साल बाद ये रकम जिसको कर्जा मिला हुआ है वो अपना कर्जा वापस करेगा। इररिडीमेबल डिबेंचर्स फोर्थ टाइप जो है उसमें है कि अ डिबेंचर विच इज नॉट पेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इश्यूइंग कंपनी इज कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर। दीज आर पेएबल आइदर ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। कि कंपनी की लाइफ टाइम में ये बॉन्ड्स जो है वो पेएबल नहीं होंगे, मतलब कि नो मैच्योरिटी पीरियड। जब तक कंपनी काम कर रही है तब तक जो है ये जो कर्जा है ये वापस नहीं करेगी। जब तक कंपनी ऑपरेट कर रही है ये कर्जा वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर वाइंड अप हो गई, कंपनी बंद हो गई या जो है डिफॉल्ट हो कर गई, तो उस टाइम पर जो है ये कर्जा जो होगा ये पेएबल हो जाएगा, मतलब ये कर्जा चुकाया जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, पेएबल ऑन दी वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी। ठीक हो गया। रजिस्टर्ड डिबेंचर से मुराद यह है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर इज इश्यूड इन द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द डिबेंचर। The name of the owner thus appear on the face of the bond as well as on the books of the company. कि for registered debentures वो debentures होते हैं जो कि on the name of the bond holder issue किए जाते हैं। A registered debenture is issued in the name of the owner of the debenture. For example, company Pakistan Tobacco Company किसी दूसरी कंपनी के, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी के बॉन्ड खरीदना चाहती है, तो जब पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये बॉन्ड इश्यू करेगी तो वो उस पर लिख देगी कि ये पाकिस्तान टोबैको कंपनी के को बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, इश्यू उनके नाम पर किए जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इनकेस मैं किसी कंपनी का शेयर बॉन्ड खरीदता हूं तो मेरे नाम पर वो इश्यू किए जाएंगे।
A registered debenture is issued in the name of the owner of the debenture. The name of the owner thus appear on the face of the bond as well as on the books of the company. इस तरह फिर जो है मेरा नाम उस बॉन्ड पर लिखा हुआ होगा कि जो बॉन्ड होल्डर है उसका नाम है बासित रहमान फॉर एग्जाम्पल, और फिर इसको फेस वैल्यू इसकी ये है, इस कंपनी ने इश्यू किया है, और कंपनी अपनी कंपनी का नाम भी होगा और साथ साथ जो है बॉन्ड होल्डर का नाम भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो मेरा नाम है उनकी कंपनी की बुक्स में भी लिखा जाएगा कि इसके पास इतने रुपए का बॉन्ड है या इस कंपनी के पास इतने रुपए के बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल. तो रजिस्टर्ड बॉन्ड में क्या होता है, इश्यूअर का नाम होता है, इसमें क्या होता है कि ओनर का नेम ऑफ द ओनर ऑफ द बॉन्ड, कि जिस बंदे को बॉन्ड कंपनी इश्यू कर रही है उसका नाम होगा. और बियरर बॉन्ड में क्या होता है, बियरर बॉन्ड में नो नेम, मतलब इस ओनर का नो ओनर नो ओनर नेम, मतलब ओनर का नाम नहीं होता. जिसके पास वो बॉन्ड होता है बस वही उसका ओनर समझा जाता है, और उसी को जो ड्यू डेट्स हैं उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट अदा की जाएगी. तो इसमें क्या होता है, नाम नहीं होता. उसमें क्या था, नाम था, मुझे ही वो रकम जो है प्रिंसिपल अमाउंट वक्त मियाद पूरी होने के वक्त मुझे अदा किया जाएगा, मुझे ही वो इंटरेस्ट अदा किया जाएगा. जबकि इसमें क्या होगा, जिसके पास वो बॉन्ड है उसके पास उसको ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी ऑन ड्यू डेट्स. सही हो गया. द बियरर डिबेंचर्स डू नॉट शो द नेम ऑफ ओनर ऑन द बॉन्ड. द होल्डर्स ऑफ द बियरर डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द ड्यू डेट्स. फिर है हमारे पास सेवंथ, इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर. द डिबेंचर्स विच आर इश्यू टू रेज फंड्स फॉर द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स. वो डिबेंचर जो कि इन ऑर्डर टू परचेज एसेट्स, इन ऑर्डर टू परचेज न्यू इक्विपमेंट इश्यू किए जाते हैं, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहती है तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उस इक्विपमेंट को फाइनेंस करने के लिए, इक्विपमेंट के लिए पैसे लाने के लिए क्या करती है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इश्यू करती है. उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स, कि वो डिबेंचर जो कि इक्विपमेंट को फाइनेंस करने के लिए इश्यू किए जाते हैं, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग. और लास्ट में है हमारे पास ए टाइप है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इन सर्टेन केसेस द कंपनी अलाउज द डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी. इफ द इन्वेस्टर अवेज ऑफ दिस प्रोविजन ही देन बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नाम से ही जाहिर है कि ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं. किस में कन्वर्टेबल होते हैं, शेयर्स में, कि कंपनी अलाउ करती है कि बास डिबेंचर्स पे बास डिबेंचर्स में ये फैसिलिटी या कंपनी ने बास डिबेंचर में ये फीचर रखा होता है जिसके तहत जो बॉन्ड होल्डर हैं या जो डिबेंचर होल्डर हैं वो अपने आपको मतलब वो जो है इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके बाद वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं अगर कन्वर्ट हो जाएं तो कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, कि शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ये डिबेंचर्स या ये बॉन्ड्स. ठीक हो गया. तो ये कुछ टाइप्स थी और ये जो है टॉपिक था डिबेंचर्स के ऊपर. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं.